हेलो जी, केम छो तमे? तो चलिए आज बनाते हैं वॉल पुट्टी से टी लाइट होल्डर प्लस वॉल पीस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कोने घर के कोने कोने में से ढूंढ के लाना है कार्डबोर्ड और उसे कट कर लेना है सर्कल शेप में। आप किसी ढक्कन को रख के भी कट कर सकते हैं डब्बे के। और बस इसे कट कर लिया है, इसके बाद यहाँ पर आपको टेप कर लेना है इसे, क्योंकि ना हम इस पे जो वॉल पुट्टी से काम करने वाले हैं उसके मॉइस्चर की वजह से ये इसका शेप गड़बड़ हो सकता है। तो पहले से ही इसे हम रेडी कर ले। तो यहाँ पर अगर आपके पास ब्राउन टेप है जो कि चौड़ा वाला होता है, उससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, जल्दी कर पाएंगे। अगर वो है तो उससे कर लीजिए, मेरे पास था नहीं तो मेरी थोड़ी सी मेहनत बढ़ गई, बट कोई नहीं, मैंने कर लिया है। और यहाँ पर जो थोड़ा सा ख़राब लग रहा है ना बेस, उसी बेस पे मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच वॉल पुट्टी लिया है और आप अपने क्राफ्ट के हिसाब से वॉल पुट्टी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं 1 चम्मच फेविकॉल MR ऐड करने वाली हूँ इसमें। और आप वॉल पुट्टी मैं अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा ही बनाएं और इस तरह से वेस्ट नहीं होगा आपका। तो बस अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के एक बहुत ही अच्छा सा बैटर रेडी करना है हमें, स्मूथ सा पेस्ट एक रेडी करना है। तो पानी ज़्यादा एक बार में ही नहीं डालेंगे, वरना बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा, फिर हमें और इसमें वॉल पुट्टी ऐड करना पड़ेगा और जो कि वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा ना करें और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएं। और बस हमें इसे एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेना है, जो कि बहुत इजीली हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, वरना तो फिर वो बाद में अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा डोसा बैटर रेडी है, यानी कि वॉल पुट्टी बैटर रेडी है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप पुराने चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चम्मच के पीछे वाले हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इस चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये केक डेकोरेट करने वाला है तो मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। वैसे आप इस चम्मच से भी पीछे वाले हिस्से से आप इसमें लगाएंगे तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। वैसे अगर आप बनाने बैठेंगे ना, तो आपके दिमाग में आइडियाज़ वैसे ही आते जाएंगे और बहुत ईजीली आप ये कर लेंगे। ये देखने में लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, वो तब तक ही लगता है जब तक हम इसे कर नहीं लेते हैं। एक बार कर लिया ना, तो ये सारे मुश्किल काम जो देखने में लगते हैं ना, ये इजी हो जाते हैं। और फिर हमें लगता है कि ये इतना आसान था, हमने तो इसे ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समझ रखा था, लेकिन एक बार करो तो सही, तब तो पता चलेगा। तो बस इसे इस तरह से स्प्रेड कर लेना है और यह देख सकते हैं इसे अच्छे से ना कवर कर देना है, और जिस जो इसकी किनारी है ना उस पर भी थोड़ा थोड़ा सा लगा देना है अच्छे से। और अगर आप बहुत ज़्यादा ये अच्छे से प्लेन नहीं हो पाता है तो भी कोई बात नहीं, बाद में हम इसे सेट कर सकते हैं। तो आप ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इस पर ना लगा दिया है। तो अब इसे रख देंगे ड्राई होने के लिए, आप इसे धूप में भी ड्राई कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमने वॉल पुट्टी का बेस रेडी किया था, ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं और इसमें क्रैक्स भी नहीं है। अगर क्रैक्स आते हैं तो आप ये जो वॉल पुट्टी का डो रेडी होगा इससे क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक अच्छा सा स्मूथ सा डो रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर ये पहले तो इस तरह से चिपचिपा सा हो जाता है, और इसके बाद यहाँ पर हल्का सा जो एक्सपायर पाउडर हो आपके घर में कोई भी, उसका यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि एक क्रैक भी नहीं पड़ेगा इसमें बनाने के बाद में, और हाथ में चिपकेगा भी नहीं। तो आप जब भी डो से काम करें इस तरह से, आप पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपका डो बिल्कुल स्मूथ रहेगा और ये आपके हाथों में लगेगा नहीं। तो आपका डो बिल्कुल इस तरह से रेडी होना चाहिए, क्रैक बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर लग रहा है कि क्रैक है तो आप इसे और नीट करें, तो इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे, मीन्स कि ये रेडी है। तो इसे पॉलीथीन में पैक करके एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से पेंसिल से फ्लावर ड्रॉ कर लिया है, और आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप इस पे डिज़ाइन देना चाहते हैं वो कर दे सकते हैं। ये भी मैंने पेंसिल से कर लिया है। एंड यहाँ पर मैंने कुकी कटर का यूज़ किया है कुछ इस तरह से, जिससे ये आ गया है इस तरह से, और ये आप देख सकते हैं। तो अब इस पे काम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम एक घोल रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 चम्मच वॉल पुट्टी लिया है और ये 1 चम्मच फेविकॉल है, और यहाँ पर 1 चम्मच ही पानी मिलाकर इसका घोल रेडी करेंगे।
हमारी रेडी हो चुका है और हम जो चिपकाने का काम करेंगे वो सारा इसी से करेंगे। तो जो यहाँ पर पेस्ट बनाया था उसे यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ स्पून से ही। उसके बाद फिर हम इस पर लाइन बनाएंगे। तो इस तरह से आपको डोरी बना लेनी है और डोरी मोटी पतली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो मैं यहाँ पर ज्वाइंट कर दे रही हूँ। बाद में ये इक्वल हो जाएगा तो ये अलग सा नहीं दिखेगा और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसे कट कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं अब इसे समान कर देंगे बिल्कुल एक सा, और बाकी का भी ये जो अंदर से है तो इसे बस इस तरह से हाथ से इस तरह से अंदर की साइड में हल्का हल्का सा प्रेस करके इसे दबा देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और सिर्फ ये उभरा उभरा सा इस तरह से लाइन ही ना लगे, ये बिल्कुल इसमें सेट हो जाए। और इसे हल्का सा चिकना कर लेंगे तो इसे इस तरह से सेट कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बराबर का वैसा ही करके रख दिया है और बीच में मुझे थोड़ा सा खाली सा ऐसे लग रहा था अलग सा, तो मैंने यहाँ पर एक बीच में भी फ्लावर शेप दे दिया है, गोल सा डिज़ाइन दे दिया है। वो क्या होता है ना कि जो हम डिज़ाइन सोच के रखते हैं ना, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं बनाने वाली कुछ और होती हूँ और बना कुछ और ही लेती हूँ, तो ऐसा होता रहता है मेरे साथ। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और इसमें डिज़ाइन दे दिया है और अंदर की साइड में हल्की सी डिटेलिंग कर दी है, तो इससे ये बहुत ही अच्छा फ्लावर शेप लग रहा है। और इसकी जो किनारी थी ना वो बिल्कुल ना थोड़ी अलग सी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पर भी ना एक पतला सा कॉइल बनाकर और लगा दिया और उस पर जो टूथपिक होता है ना उससे लाइन ड्रॉ कर दी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। और बाकी जो दूसरा वाला फ्लावर शेप है इसे भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने जो मेरे पास पाउडर का डिब्बा है उसी का यूज़ करके मैं यहाँ पर इसकी डोरी बना रही हूँ, क्योंकि अगर हाथ से डोरी बनाते हैं ना तो वो मोटी पतली हो जाती है, बट इस तरह से किसी बोतल वगैरह का यूज़ करते हैं डब्बे वगैरह का तो उससे क्या होता है ना कि बिल्कुल एक समान डोरी बनती है। तो ये आप देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पर हाफ़ कट करके और हाफ़ से मैं पूरा लगा दे रही हूँ, बस इसी तरह से इसे पूरा सेट कर देंगे और इसे भी अंदर की साइड से हल्का हल्का प्रेस करके चिकना कर लेंगे। तो ये भी पूरा बन चुका है। अब बीच में यहाँ पर मैं एक राउंड शेप का लगा रही हूँ और ये इसे हल्का सा मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है अच्छे से, और एक पतला सा कॉइल बनाया है और इसे मैं यहाँ पर राउंड शेप में लगा दे रही हूँ, क्योंकि हल्का सा ना गैप थोड़ा सा दिख रहा था जो कि अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक और राउंड शेप का कॉइल लगा दिया है जिससे ये सेट हो जाए अच्छे से। तो अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से सेट हो गया है और मेरे पास कोई टूल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं डायरेक्टली जो मिल रहा है ना हाथ में जो आ रहा है उसी से ठीक ठाक कर ले रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सीख रहे हैं ऐसा कुछ भी तो उसके लिए आपके पास टूल होना ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं ये सेट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं हल्का सा डिटेलिंग कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास नोज़ल है केक का, तो बस मैं उसी से इस तरह से कुछ कुछ डिज़ाइन कर दे रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये। और ये आप देख सकते हैं। तो अब ये लास्ट वाला फ्लावर बचा है, अब इसे सेट कर लेते हैं फटाफट से। तो कुछ इस तरह से पहले तो मैं यहाँ पर जो कॉर्नर है उसे सेट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो दो फ्लावर है इसमें मैंने वाटर कलर किया है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो ग्रीन और रेड वाला है इस पर मैंने एक्रेलिक पेंट किया है, और ये जो छुटकू सा है इस पर भी वाटर कलर किया है, क्योंकि एक्रेलिक कलर मेरे पास दूसरा पिंक कलर में नहीं था तो मैंने वो वाला कर दिया, प्लस उस पर गोल्डन से ये जो डिटेलिंग की है बस उसे रब कर दिया है। और बाकी ये आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। आप चाहे तो इस पे दिया रख के इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऐसा लगेगा बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, और उसके बाद दिवाली पे इसे दिया रख के यूज़ करें, उसके बाद इसे वॉल डेकोर की तरह यूज़ करें और ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। तो कैसा लगा आज का ये व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।